नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी 12SC PET एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन से टॉपिक आपके थोड़े हार्ड रहेंगे, कौन से टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़े ईजी हैं जिनमें आप अच्छा खासा अपना स्कोर खींच सकते हैं। तो अगर आप लोग UPSC PET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको थोड़ी कट ऑफ के बारे में भी अनुमान लगेगा कि कहाँ तक कट ऑफ आपकी जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बेसिक हम लोग देख लेते हैं पीईटी एग्जाम का। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे टोटल 100 रहने वाली है। पूर्णांक आपका यहाँ पे 100 है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहने वाला है। टाइम आपको 120 मिनट मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। साथ ही साथ 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि अगर 4 प्रश्न आपके गलत होते हैं तो एक सही प्रश्न का आपका नंबर यहाँ पे कट जाएगा। दोस्तों, जो लोग UPSC PET एग्जाम के बाद लेखपाल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अभी से लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी के लिए एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूं। तो दोस्तों, SRR पब्लिकेशन की तरफ से एक बहुत ही शानदार किताब आई है। कल ही मैं इसको लेके आया हूँ और देखो, इतने प्राइस में एक बहुत अच्छी किताब आपके लिए प्रेजेंट यहाँ पे हुई है। तो इस प्रकार की आपकी किताब रहेगी, SRR पब्लिकेशन की किताब है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी स्पेशलिटी क्या है, देखो इसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। इसमें हिंदी भी है आपकी, इसमें गणित भी है, इसमें आपकी सामान्य ज्ञान भी है, ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी भी रहेगी। साथ ही साथ करंट अफेयर आपको इसमें पूरा मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश का भी करंट अफेयर मिलेगा। साथ ही साथ वो करंट अफेयर जो UPSC बार बार अपने एग्जाम्स में पूछता है। साथ ही साथ लेखपाल एग्जाम में देखो, जो अपना पेपर हुआ था 2015 में, तो सॉल्व पेपर भी आपको इस किताब में मिल जाएगा, लेखपाल परीक्षा 2015 का। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार आपके लिए किताब रहने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट भी आते हैं SRR पब्लिकेशन के, मैं कल ही इसको लेके आया हूँ। SRR पब्लिकेशन आगरा का ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। इतने से प्राइस में ये 100 रुपये का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो इतने प्राइस में ये लोग 15 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट। और इसमें भी एक सॉल्व पेपर है। आपको पता होगा 2015 में 4 पेपर हुए थे आपके, चकबंदी लेखपाल का अलग हुआ था, लेखपाल एग्जाम अलग हुआ था, तो दो दो शिफ्टों में पेपर हुए थे। तो एक पेपर आपको सॉल्व इसमें मिल जाएगा और एक पेपर सॉल्व आपको इसमें मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा जो लोग आगामी लेखपाल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, इस किताब को जरूर ले लें, आपके सिलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाएगी ये वाली किताब। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी जानकारी दे दूंगा, जो लोग इसको बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं। पे किए 5 में से 4 क्वेश्चन गलत हो गए, एक क्वेश्चन सही है आपका, तो नंबर कितने मिले, नंबर मिले 0, ठीक है। साथ ही साथ एक और फैक्ट आप ये देखो कि जो भी वैकेंसी निकलेगी दोस्त, उससे कई गुना अधिक बच्चों को उस वैकेंसी के पेपर के लिए बुलाया जाएगा आफ्टर PET एग्जाम। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं लेखपाल एग्जाम के लिए, कम से कम 5000 वैकेंसी तो देखो यहाँ पे निकलेंगी ही, ठीक है। PET के बाद दोस्तों, आपका जब क्वालिफाई होंगे बच्चे, तो कितने बच्चों को PET के बाद लेखपाल में बिठाला जाएगा, मिनिमम यहाँ पे देखो 50 से 70 हज़ार बच्चों को, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इससे अधिक ही हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 50 से 70 हज़ार बच्चे आपके मेन एग्जाम में बैठने वाले हैं PET के बाद भी, ठीक है। तो आप इस चिंता में मत रहें कि आपका PET एग्जाम ज़्यादा हार्ड होगा या फिर सिर्फ इतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे जितने की आपकी वैकेंसी रहने वाली, अधिक बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो देखो, PET का सिलेबस, सबसे पहले आपका भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, भूगोल से, अर्थव्यवस्था से 5-5, साथ ही साथ भारतीय संविधान से यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, विज्ञान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंकगणित बिल्कुल सरल यहाँ पे रहने वाली है 5 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी, ठीक है, जो आपकी व्याकरण होती है ना, उससे 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। और ये देखो, हिंदी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है। हिंदी में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, यही क्वेश्चन इस वाले पार्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ एकाद आपकी रचना भी पूछी जा सकती है यहाँ पे। रीजनिंग और ज़्यादा सरल पूछी जाएगी, 5 में से 5 नंबर रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से रीजनिंग आपने पढ़ ली तो। साथ ही साथ दोस्तों, 10 नंबर की करंट अफेयर पूछी जाएगी, 10 नंबर की सामान्य जागरूकता आपकी पूछी जाएगी, ठीक है, ये करंट अफेयर का ही एक पार्ट मान लो आप सामान्य जागरूकता। आपठित हिंदी गद्यांश आपके 10 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे पूछे जाएंगे, 2 पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिए जाएंगे जो कि 10 नंबर के रहेंगे, और 20 क्वेश्चन आपके, जो 20 नंबर हैं
ये ग्राफ और तालिका के रहेंगे, ठीक है। दो आपको यहाँ पर ग्राफ मिलने वाले हैं और साथ ही साथ दो आपको यहाँ पर तालिका मिलेंगी आपके एग्जाम में। अब देखते हैं दोस्तों कि इजी यहाँ पे टॉपिक कौन से हैं जहाँ पे आप अधिक से अधिक नंबर देखो खींच सकते हैं। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के देखो, मुझे ये बड़ा इजी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, 1857 से 1947 के बीच जो जो यहाँ पे घटनाएं हुई हैं वही आपकी क्वेश्चन बनाती हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ठीक है। जैसे कि 1857 में जो क्रांति हुई थी वहाँ पे गवर्नर जनरल कौन से थे, उसके बाद प्रथम वायसराय किसको बनाया गया था, फिर कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, जो 1909 का आपका माली मिंटो सुधार था, उसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम था, साथ ही साथ बीच के जो अधिनियम थे वो भी इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। और उसके बाद आपका अलग क्वेश्चन जो बनते हैं 1935 का जो आपका भारत शासन अधिनियम था उससे भी क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद जो अपना भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी की जो अपनी रैलियां वगैरह थी उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर। चलिए साथ ही साथ दोस्तों भूगोल के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा रहता है, पर्वत वाला, ठीक है, और नदियों वाला, कि कौन सा पर्वत कहाँ पे है आपका। आपका भारत के पर्वत पूछे जा सकते हैं, जैसे कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, बंगाल में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, कितनी गंगा की लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे भूगोल से। साथ ही साथ इस पाले पार्ट में आपके बंदरगाह भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, भूगोल में ही। संविधान के बारे में बात करें दोस्तों तो बेसिक क्वेश्चन संविधान से पूछे जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, आपकी कहाँ पे हैं, फंडामेंटल राइट आपके कहाँ से कहाँ तक हैं, डीपीएसपी आपके कहाँ से कहाँ तक हैं, ठीक है, या फिर डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है, आपकी समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना, आपके जो देशों से संविधान के पार्ट्स लिए गए हैं, जैसे कि आपका जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, न्याय का न्याय की बात कहाँ से की गई है, रूस से की गई है, यूएसएसआर से। तो उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंकगणित में देखो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चार पांच ही टॉपिक रहते हैं अंकगणित में, एक आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, एक आपका ये परसेंटेज वाला टॉपिक हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके अंकगणित से पूछे जाएंगे, लाभ हानि अनुपात समानुपात, आराम से चार क्वेश्चन देखो इसमें आप कर सकते हो, अगर पाँच में से अगर बेसिक भी अंकगणित आपको थोड़ी बहुत आती है तो। हिंदी वाला पार्ट दोस्तों देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, उपसर्ग प्रत्यय हो गए आपके, ठीक है, इसी प्रकार के जो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं हिंदी में यही पूछे जाएंगे आराम से। हिंदी में पांच में से अधिकतर लोग पांच लेके आएंगे और 90% लोग चार नंबर हिंदी में लेके आएंगे ही। रीजनिंग दोस्तों बिल्कुल बेसिक रहेगी, कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएगी यहाँ पे, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, दिशा दूरी वाले क्वेश्चन रहते हैं जो वो पूछेंगे आपसे, ठीक है, और सीरीज़ वाले भी क्वेश्चन आप पूछे एक दो पूछ लेंगे आपसे। पांच क्वेश्चन तो आने ही है रीजनिंग में, आराम से रीजनिंग में पाँच में से पाँच करेंगे 90 से 95% लोग, मैं तो 99 ही कहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, इस साइड के टॉपिक ये ईजी हैं, ठीक है, अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स को प्रिपेयर नहीं किया है तो इनको ज़रूर अपने एग्जाम में तैयार करके जाना, क्योंकि नंबर यही वाले टॉपिक खिंचवाएंगे आपके। उसके बाद सामान्य जागरूकता वाले टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है, इसमें आप स्टैटिक जीके भी साथ में लेके चल सकते हैं सामान्य जागरूकता वाले टॉपिक में। उसके बाद दोस्तों अपठित हिंदी गद्यांश, दो पैराग्राफ आएंगे, अधिकतर लोग, फिर से मैं कह रहा हूँ 99% लोग 10 में से 10 नंबर लेके आएंगे इस वाले पार्ट में, क्लियर। चलिए उसके बाद दोस्तों ग्राफ और तालिका, ये भी आपके सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे कि ये आप कोई कंपनी हो गई, उसमें ए प्रकार की कारें इतनी बिकी, बी प्रकार की कारें इतनी बिकी वर्ष 2012-11 में, तो एक ग्राफ वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ये आपके 20 नंबर के पूछे जाने हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों जो ये ईजी वाला पार्ट है ना, ये आपका 70 नंबर का पूछा जाएगा, ईजी वाला जो पार्ट है, और मैक्सिमम बच्चे 70 में से 60 नंबर आराम से लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 60 ये वाले हो गए। उसके बाद थोड़े हार्ड टॉपिक कौन कौन से हैं, एक तो भारतीय इतिहास यहाँ पे हार्ड है, पांच ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, लेकिन वही पांच क्वेश्चन थोड़ा उन लोगों ने डीप बता दिए हैं कि ये टॉपिक से पूछेंगे हम लोग यहाँ से वहाँ से, ये थोड़ा हार्ड रहने वाला है आपको, इसमें थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए। अर्थव्यवस्था देखो दोस्तों, यहाँ हम लोग हार्ड भी कह सकते हैं और ईजी भी कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आरबीआई की स्थापना कब हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ,
सबसे पुराना बैंक कौन सा है, सबसे नया बैंक कौन सा है, नीति आयोग के बारे में पूछेंगे, पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछेंगे, योजना आयोग के बारे में पूछेंगे, ठीक है। और सामान्य विज्ञान के बारे में आप लोग बात कर लेते हैं हम लोग। अगर आप लोग NTPC ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब सामान्य विज्ञान आराम से हो जाएगा, वरना देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इतना बड़ा है, कहाँ तक पढ़ोगे उसको, तो इसको तभी मैंने हार्ड में रखा है। उसके बाद UPSSC की जो बच्चे तैयारी करते हैं, इंग्लिश सबका गोल रहता है, देखो मेरा खुद है गोल, ठीक है। तो इंग्लिश को अगर ना चाहो तो टच मत करना, इंग्लिश ये ऐसा टॉपिक है कि इसको इसमें टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है, इसकी तैयारी करने में, क्योंकि ये इंग्लिश आपका इनका टाइम खा जाएगा। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं, तो करंट अफेयर भी थोड़ा ब्रॉड आपका पार्ट रहता है, कहाँ कहाँ से करंट अफेयर आप पढ़ोगे, इसकी तुलना में ये वाले टॉपिक ज़्यादा ईजी है नंबर लाने के लिए, ठीक है, तभी मैंने करंट अफेयर को आपका हार्ड में डाल दिया है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे देनी है, इन वाले टॉपिक्स पे देनी है, उसके बाद आपको इन टॉपिक्स को तैयार करना है। और इनमें से किन को तैयार करना है, सबसे पहले इनमें से आप तैयार करोगे करंट अफेयर्स को ही, ठीक है, एक साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप भारतीय इतिहास को, उसके बाद अर्थव्यवस्था को, इसको छोड़ देना इंग्लिश को, ठीक है, मैं तो यही कहूँगा छोड़ देना। अगर आपने बैंक वगैरह की तैयारी की है तो इसको आप पढ़ सकते हो, वरना इसको छोड़ ही देना। चलिए तो ये 30 नंबर के आपके थोड़े हार्ड टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है, 30 नंबर के हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से देखो 10 तो लेके आनी पड़ेगा आपको, ठीक है, 10 तो आराम से लेके आओगे। अगर आप लोग 2 नंबर इसमें कर दोगे, 2 अर्थव्यवस्था में कर दोगे, उसके बाद 3 क्वेश्चन आप सामान्य विज्ञान में और 4-5 क्वेश्चन करंट में कर लोगे, तो 10 नंबर आराम से आपके आ जाएंगे, क्लियर। क्योंकि देखो करंट 10 नंबर का आना है आपका, 10 में से 4-5 तो ले ही आ सकते हो आप करंट में। चलिए तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया अपना, 70 में से 60 ये हो गया और आपका 10 नंबर ये हो गया, यानी कि आपकी मेरिट कितनी जा सकती है दोस्तों, हाईएस्ट आपकी मेरिट जा सकती है आपकी 65 से लेके 70 तक, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया मेन वैकेंसी से 10 से 15 गुना बच्चे आएंगे आपके मेन वैकेंसी में बैठने PET के बाद, ठीक है, तो 65-70 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी आपकी PET की मेरिट, और ये देख लेना आप लोग, क्लियर। जो लोग कह रहे हैं अभी यूट्यूब पे कि मेरिट 80 जाएगी या 90 जाएगी, भैया ठीक है अब कह लो आप लोग बड़े लोग, ठीक है, मेरे जो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के साथी हैं 65-70 अभी से लिख के रख लो, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी UPSSC PET एग्ज़ाम की, और इसी को लेके आपको तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ SRR पब्लिकेशन की जो मैंने किताब बताई लेखपाल एग्ज़ाम के लिए, उनको आप ले सकते हैं, अच्छी किताब है, प्रैक्टिस सेट बहुत ही सस्ते मूल्य में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और उनमें UP का भी करंट अफेयर है उस किताब में आपको मिल जाएगा अच्छे से, साथ ही साथ जो पेपर्स वगैरह हैं लेखपाल के वो भी उसमें मिल जाएंगे विथ फुल सिलेबस, क्लियर। चलिए मिलते हैं दोस्तों, इस प्रकार की थोड़ी स्ट्रेटजी रखना, इजी टॉपिक्स को अलग कर लेना, हार्ड को अलग कर लेना, और इनको सबसे पहले तैयार करना, ये जो इजी वाले हैं इनको सबसे पहले तैयार करना, क्लियर। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हैव अ ग्रेट डे।